इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई, दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल दिए आपको एक्स एंड वाई जो बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं। जो एक्स वाला उसमें एन की वैल्यू 3 है, टी की वैल्यू 1/3 है, और जो वाई वाला उसमें एन की वैल्यू 5 है और टी की वैल्यू 1/3 है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 1। या मैम ये एडिटिव प्रॉपर्टी तो लग जाएगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो सेम है। प्रोबेबिलिटी सेम है, प्रोबेबिलिटी सेम है तो यहाँ से एक्स प्लस वाई भी क्या बनेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। यस मैम, जिसमें एन की वैल्यू क्या रहती थी, ऐड हो जाती है ना एन की वैल्यू, 3 + 5 8 हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी 1/3। तो एक्स प्लस वाई अब आपका एक नया डिस्ट्रीब्यूशन बन गया से जेड, तो इट मीन्स आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर इक्वल टू 1 फाइंड आउट करना है। आपसे ये पूछा गया बाइनोमियल के केस में, तो इसको मिल सकती है 1 - probability जेड इज इक्वल टू 0। जेड इज इक्वल टू 0 मतलब इस वाले वेरिएबल के लिए जो बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है, जेड इज इक्वल टू 0 क्या जाएगा, एन सी 0, पी रेस टू पार 0, क्यू रेस टू पार एन माइनस 0। तो इस केस में आपकी एन की वैल्यू 8 है, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, एन की वैल्यू 8 है और क्यू की वैल्यू कितनी है 2/3, 1 में से माइनस करोगे 2/3, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ है सबको? यस मैम। तो ये करना था बस, आपको थोड़ा सा पहचानना है कि एक्स प्लस वाई किसको फॉलो कर रहा है, वहां से हम निकाल सकते हैं। फिर मैंने इसके बाद आपको कहा था कि कल हम कॉम्बोलेंस निकालने सीखेंगे। कॉम्बोलेंस हमारा क्या होता था, लॉग ऑफ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो उसकी जो एक्सपेंशन बनती थी उसमें से हम K1 निकालते थे, K1 इज द कॉफिशियंट ऑफ T इन दैट एक्सपेंशन, K2 क्या होता है कॉफिशियंट ऑफ T² / 2KXT। इसी तरीके से हमने और निकाला, तो यहाँ से μ1, μ2, μ3 इनकी वैल्यू मिल जाएगी, सेम जो हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, कॉम्बोलेंट्स निकालते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या आएंगे। तो कॉम्बोलेंट्स होता क्या है आपके पास, KXT विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ MXT, इसका लॉग निकालना है आपको। MXT हमारा निकला था इस केस के अंदर Q + P e^T इसकी पावर n, ये निकला था हमारा बाइनोमियल के केस में। तो लॉग लेना चाहते हैं तो आगे आ जाएगा n। अभी यहाँ पे जो t का फंक्शन है हमारा, t में एक्सपेंशन खोलनी है, तो क्यों ना पहले e की t की एक्सपेंशन खोलो, फिर जो आएगा उस पर लॉग के एक्सपेंशन लगाएं ताकि हमारा काम बन सके। तो t की एक्सपेंशन अगर मैं खोलूंगी e की, t की 1 + t + t² / 2 + t³/3 अब कुछ ऑन, यही एक्सपेंशन बनेगी आपकी। इसको हम लिख सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से देखिए, अगर इस q को हम क्या लिख सकते हैं बता सकते हो, 1 - p प्लस p इंटू दिस है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये माइनस का p, ये इससे मल्टीप्लाई होके प्लस का p आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये वाली फर्स्ट टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म, तो क्या बच गया आपके पास, n log 1 - p²/3 इंटू p, यही आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा ना आपके पास। तो यहाँ पे log ऑफ 1 - x की एक्सपेंशन हमें लगानी पड़ेगी, और log ऑफ 1 - x आएगा क्या ना, प्लस आएगा, यस प्लस, ये तो कट गया ना आपका, कैंसिल हो गया माइनस वाला, प्लस वाला बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, लॉग ऑफ 1 + x की एक्सपेंशन क्या होती है आपके पास, x - x²/2 + x³/3 - x, तो वो एक्सपेंशन लगा देता है कि टी में हमारी टर्म बन जाए। तो ये हमारे पास x का रोल प्ले कर रहा है, तो 1 + x वाली एक्सपेंशन लॉग ऑफ, तो यहाँ आ जाएगा x वाली टर्म, x प्लस के बाद माइनस, और यहाँ क्या आएगा square/2, तो p² t + t²/2 अब तो सॉन, इसका स्केयर प्लस t³/3, तो इसका क्यूब और इसका भी क्यूब, तो इस तरीके से आपके पास आ जाएंगे। अब जो ये एक्सपेंशन आते हैं, जो t का कॉफिशियंट होता है वो आपका μ1 बनता है, दैट इज इक्वल टू kappa1 ऑल्सो, जो हमने करा था k1 कॉफिशियंट ऑफ t kxt जो कॉफिशियंट होगा।
तो कॉफिशियंट ऑफ टी कितना आता है, पर टी सिर्फ यहीं से मिल रहा है, यहाँ से तो टी स्केयर आएगी फर्स्ट टर्म, यहाँ से फर्स्ट टर्म टी क्यूब आएगी, तो टी का सिर्फ यहाँ से मिला, कितना कॉफिशियंट है एन पी आगे आपका एन पी, यही हमारा निकल के आया था मीन, एन पी तो निकल के आया था। वेरियंस निकालना है अगर आपको म्यू टू, तो होता है कापा टू के इक्वल, विच इज इक्वल टू कॉफिशियंट ऑफ टी स्केयर बाय टू फैक्टोरियल इन के एक्स टी। तो कॉफिशियंट देखते हैं टी स्केयर बाय टू फैक्टोरियल का कितना बन रहा है, देखो टी स्केयर की टर्म यहाँ से भी मिल रही है, कितनी मिल रही है पी बाय टू, पी बाय टू, टी स्केयर की टर्म यहाँ से भी मिल रही है आपकी ना, फर्स्ट टर्म जो आएगी फर्स्ट टर्म सिंपल ए स्केयर से आएगी, तो यहाँ से हो गया माइनस हाफ टी स्केयर, ये मिली आपको टी स्केयर की टर्म, यहाँ तो टी क्यूब की आएगी पहली टर्म, यहाँ से तो मिलने नहीं वाली टी स्केयर, तो टी स्केयर के सिर्फ एक यहाँ से और एक यहाँ से मिल, कितनी मिली है टी माइनस पी स्केयर बाय टू, टी माइनस पी स्केयर बाय टू मिली, लेकिन हमें टी स्केयर बाय टू की निकालनी थी, उसे भी इतना ही लिखूंगी, और एन भी था आगे आपका दोनों के पूरे के आगे एन था, ये बन गया एन पी क्यू, दैट इज योर वेरियंस, यही होता था और यही निकल के आया है। तो मेनली आपको मीन और वेरियंस याद रखना, ज्यादा आगे तक नहीं पूछता पेपर में कि पेपर में म्यू थ्री म्यू फोर इनके बारे में पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मेनली आपको म्यू वन म्यू टू इनको याद रखना है। मीन एंड वेरियंस आर द इम्पोर्टेंट इन एवरी डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मीन, वेरियंस, या फिर मोड निकल रहा तो मोड को याद रखो, ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं ये नहीं भूलनी चाहिए हर डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने एक रिलेशन निकाला था मूमेंट्स के बीच में, रेकरेंस रिलेशन, आज हम एक वैसा ही रेकरेंस रिलेशन निकालेंगे फॉर कमुलेंट्स, फॉर कमुलेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, एक सेकंड रुकना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, हमें निकालना है रेकरेंस रिलेशन फॉर द कमुलेंट्स, देखो जैसे मैंने वहां पे आपको फॉर्मूला याद कराया था डायरेक्टली पहले, तो फिर हमने प्रूफ किया था, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या है आपका, आप यहाँ पे के आर वाले को के आर प्लस वन से कनेक्ट करने वाले, कैसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है इसका विद रिस्पेक्ट टू पी डेरिवेटिव जो आपने वहां पे भी किया था, और इनटू में यहाँ पे सिर्फ पी क्यू करना है, सिर्फ इतना छोटा सा फॉर्मूला आएगा आपका। तो आपको बेसिकली करना कैसे, इसको कापा आर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कापा आर का फॉर्मूला बता सकते हो, के आर क्या लिखा था हमने, और एक हमने दूसरे तरीके से भी निकाला था कि इसका आर टाइम डेरिवेटिव कर दो लॉग एम एक्स टी का, मतलब कमुलेंट का के एक्स टी का, और उसमें क्या वैल्यू पुट कर दो, टी इज इक्वल टू जीरो, भूल गए क्या, साफ हो गया पिछला सारा, याद है मैम, बोला नहीं फिर तुमने हिमांशी, चलो तो ये आपको यहाँ पे निकाल के देखना है, खुद से अब सेल्फ ट्राई करना, जैसे हमने उसका प्रूफ किया था, इसका विद रिस्पेक्ट टू पी आपको डेरिवेटिव करना है, एक बार कापा आर प्लस वन निकाल लेना, फिर उसको पी क्यू से मल्टीप्लाई करके देखना कि आपका क्या आंसर आया, तो ये आपने सेल्फ प्रूफ करना है, इजिली हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक और है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन या फिर रेकरेंस रिलेशन फॉर प्रोबेबिलिटीज, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, एंट्रेंस में काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है, एंट्रेंस में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो इनको आप स्किप कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, दैट इज द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक हमने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन किया है, देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, सबसे पहले हमने डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी किया था, और अब हम फोर्थ वन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नाम से वैसे तो क्लियर होना चाहिए कुछ हद तक, तो वैसे ये दिया है जो आपका डेनिस पॉइसन ने दिया था, एक ये आपका फिजिस्टिस्ट है जो साइमन डेनिस पॉइसन, इसने ये वाला दिया था, लेकिन हम नाम से अपना याद रखने के लिए लिख रहे हैं कि जहाँ पे कुछ खतरा टाइप हो, जहाँ पे आपको कुछ केसेस ऑब्जर्व करने हो, ऐसी जगह पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज होते हैं, जहाँ पे आपका जो हम बाइनोमियल में एन लेते थे, बाइनोमियल में जो नंबर ऑफ आउटकम्स लेते थे, दैट विल बी इनफाइनाइटली लार्ज, इनफाइनाइट टाइम्स आप उन ट्रायल्स को करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, अब ऐसा केस नहीं कि आप फाइनाइट टाइम कर रहे हो,
सेकेंडली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थी टेंडिंग टू जीरो होनी चाहिए, रेयर होनी चाहिए. मतलब मैं कुछ इस तरीके का रैंडम वेरिएबल दूं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस, तो एक्सीडेंट बहुत ही कम होते हैं ना, लेस. ऐसा तो है नहीं कि 90% एक्सीडेंट हो जा रहे हैं फिर तो कौन बचेगा, रेयर है ना. 10% कह सकते हैं, हम 5% कह सकते हैं, उससे भी कम. तो पी टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ऐसा हमें डिस्ट्रीब्यूशन लेना है. तो आप वो चीज़ें लेना जो बहुत ही रेयर होती हैं आजकल, मतलब जो कम क्वांटिटी में होती हैं, ठीक है, जिनकी प्रोबेबिलिटी, जिनका चांस बहुत ही कम है, लेकिन हम कर रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स वाले. तो जब आपका बायनोमियल के अंदर एन टेंड टू इन्फिनिटी हो जाए और पी टेंड टू जीरो हो जाए, तो वो केस आपका कहाँ पे अप्रोच कर जाता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बना जाता है. साथ साथ यहाँ पे एक कंडीशन और बोलूंगी मैं, एन इंटू पी जब हम करेंगे, देखो एन तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, पी जीरो की तरफ जा रहा है, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी क्या बनती है, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म. तो ये आपका फाइनाइट आना चाहिए, से लैम्डा, से लैम्डा बोल दिया हमने. इस लैम्डा को ही हम पैरामीटर बनाने वाले हैं आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जाके, ठीक है. तो इसका ये रिलेशन है बायनोमियल के साथ. तो निकाल के देखते हैं, बायनोमियल को कन्वर्ट करते हैं जरा, हम इन वैल्यूज को पुट करके देखते हैं एक्सपोनेंशियल, ये जो हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है क्या बन के आएगा, चेक करते हैं. तो मैंने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट किया, एन सी एक्स पी की पार एक्स वन माइनस पी की पार एन माइनस एक्स. जैसे कि अभी हमने देखा है ये पी की एक्स है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं किस तरीके से, वन माइनस पी की एन ऊपर और वन माइनस पी की एक्स नीचे, माइनस में था ना ये, तो हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं इसको. अब अगर हम यहाँ पे देखें p बाय वन माइनस पी की होल पावर x लिख सकते हैं, वन माइनस पी की पावर n लिख सकते हैं. अब p की वैल्यू में क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ से पुट कर सकते हैं, एन पी इज इक्वल टू लैम्डा था, तो p की वैल्यू में लैम्डा बाय n पुट कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं p की वैल्यू लैम्डा बाय n पुट करने वाली हूँ. चलिए एन सी एक्स पी की वैल्यू लैम्डा बाय एन, वन माइनस लैम्डा बाय एन की पावर एक्स, वन माइनस लैम्डा बाय एन की पावर एन, ये आ चुका आपके पास, ठीक है ना. अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस एन सी एक्स को मैं ओपन कर सकती हूँ. कैसे ओपन होगा, एन फैक्टोरियल बाय एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल, ठीक है ना. और आप इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, अगर मैं ऊपर वाले डिस्ट्रीब्यूशन से ही देखूं, एक सेकेंड, लैम्डा बाय एन की पावर है एक्स, तो मैं इसको लगता हूँ लैम्डा की पावर एक्स, इसको अलग से एन की पावर एक्स, ये वन माइनस लैम्डा बाय एन की पावर एक्स, अलग अलग कर दिया मैंने इस लैम्डा को और इस एन को, ये इकट्ठा ही नीचे लिख दिया, और यहाँ है वन माइनस लैम्डा बाय एन की पावर एन, ये आपके पास आया हुआ. अब इसको मैं जब ओपन करूंगी तो यहाँ तक मैं ओपन कर सकती हूँ, एन माइनस वन अप टू एन माइनस एक्स प्लस वन, क्योंकि नेक्स्ट फैक्टोरियल टर्म आएगी इससे कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी. तो अगर मैं इन सब में से एन कॉमन लूँ तो कितने एन कॉमन आ गए, कितने टर्म्स है बता सकते हो, अब तो लिख दिया मैंने, अब तो बता दो. देखो एक से लेकर एक्स माइनस वन तक एक्स माइनस वन टर्म और एक टर्म ये वाली x, तो टोटल ये x टर्म है आपकी, n की पावर x हमने कॉमन लिया, बाय में x फैक्टोरियल, n की पावर x, लैम्डा की पावर x, 1 माइनस लैम्डा बाय n की पावर x, आपका यहाँ पे n की पावर x से n की पावर x कैंसिल हो चुका है. अब आप इस पे जब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाएंगे, यही कंडीशन थी हमारी, ये जीरो ये जीरो, यहाँ वन आ गया, वन बच गया, तो ऊपर आया वन नीचे x फैक्टोरियल, ये क्या बन जाएगा एन टेंड टू इन्फिनिटी लगाने पे, एन टेंड टू इन्फिनिटी लगाओगे तो वन बाय इन्फिनिटी, ये तो जीरो हो गया, वन की पावर एक्स तो वन ही आएगा ना, एक्स में बोल रहे हैं, ये लैम्डा की एक्स, एक टर्म और थी आपकी वन माइनस लैम्डा बाय एन की पावर एन, इस पे लगाओ एन टेंड टू इन्फिनिटी, बताओ मुझे क्या आंसर आएगा, किसी ने पढ़ा हुआ है ये क्या आंसर आता है. Yes, ma'am. Limit e raised to power limit n approaches to infinity n minus lambda आ जाएगा. Yes, हम क्या करते हैं इस केस में, जब 1 raised to power infinity form बन रही हो, तो इसका एक shortcut formula है हमारे पास कि जो भी अंदर function हो उसमें आप क्या करोगे, 1 subtract कर दोगे, जो भी अंदर function हो उसमें से 1 subtract करो, कितना बच जाएगा, minus lambda by n, जो ऊपर power है उसको इसके multiply में ले आओ, अंदर वाले function में से minus 1,
पावर को ले आओ मल्टीप्लाई में, इस पे लिमिट लगा दो n टेन टू इन्फिनिटी, जो आंसर आएगा उसको e की पावर में लिखना है। n से n कट गया, e की पावर माइनस लैम्डा आ गया आंसर इसका। तो ये शॉर्टकट था आपके पास, समझ आया सबको शॉर्टकट? या दोबारा बताऊं? तो ये देखो, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बना है जब हमने n टेंड टू इन्फिनिटी किया, p टेंड टू जीरो किया और n p को लैम्डा पुट किया। यहाँ पे एक सिंगल पैरामीटर सिर्फ लैम्डा बचा है, प्रोबेबिलिटी x लैम्डा के लिए आई है, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x बोल सकते हैं, e की माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाय x फैक्टोरियल। ये आपके पास यहाँ पे फंक्शन बन के आया है जहाँ पे x की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू सोन, बाइनोमियल में आपका 0 से n तक थी, अब n टेंड टू इन्फिनिटी जा रहा है तो 0, 1, 2 अप टू सोन। और जो ये लैम्डा है आपका कोई भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। लैम्डा को यहाँ पे हम पैरामीटर बोलते हैं, तो x एक पॉइजन वेरिएट बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर लैम्डा, ये हम लिखेंगे नोटेशन में। आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं, हमने कहा था सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 बनता है, तो यहाँ पे आप x की हर वैल्यू के लिए सम करके अगर हम देखें, समीशन e की माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाय x फैक्टोरियल, x 0 से इन्फिनिटी, क्या ये 1 आएगा? देखो x पे समीशन है तो e की माइनस लैम्डा चला गया बाहर, ये आ गया लैम्डा की x बाय x फैक्टोरियल, x 0 टू इन्फिनिटी। सॉल्व करो इसको, x को 0 पुट करोगे तो आ गया 1, x को 1 पुट करोगे, x को 2 पुट करोगे, x को 3 पुट करोगे, तो किसकी एक्सपेंशन बन गई आपकी, क्या है ये? रेज़ टू पावर लैम्डा मैम, e की पावर लैम्डा, e रेज़ टू पावर लैम्डा, व्हिच इज इक्वल टू e की पावर 0 हो जाएगा, दैट इज 1। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 भी है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन रहा है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अक्कर कहाँ होगा? हमने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस बहुत ही स्मॉल होगी, तो एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया है, कौन सा एग्जाम्पल बताया है आपको कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैपन ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस, हम और देखते हैं नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम अ डिसीज से हार्ट अटैक और एनी अदर डिसीज, जो ज़्यादा ही रेयर डिसीज है, कैंसर के अलावा वो भी बहुत रेयर डिसीज होती है, तो ऐसी डिसीज जिनसे बहुत ही कम डेथ होती है वो वाला हम ले सकते हैं इस केस के अंदर, या नंबर ऑफ सुसाइड्स, सुसाइड्स भी कम होते हैं, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव मटीरियल इन अ पैकिंग मैन्युफैक्चर बाय गुड कंसर्न, अगर हम कोई मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है तो क्या करेगी, डिफेक्टेड आइटम कम से कम बनाने की कोशिश करेगी, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ही स्मॉल रहेगी उन चीज़ों की, ठीक है। तो ये जो सारे आपके एग्जांपल है, नंबर फॉल्टी ब्लेड्स इन पैकेट ऑफ 100, या फिर नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक एट ईच पेज ऑफ द बुक, अगर ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक होगी कोई उस बुक को परचेज ही क्यों करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ कार पासिंग या क्रॉसिंग पर मिनट ड्यूरिंग द बिजी आवर्स ऑफ अ डे, कुछ भी इस तरीके का आप एग्जाम्पल उठा सकते हैं जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी स्मॉल हो लेकिन हैपनिंग होनी चाहिए। इस बुक के अंदर आपको एक पर्सन प्रोसेस करके भी एक टॉपिक दे रखा है जिसको हम बाद में करेंगे, रिलायबिलिटी वाले एरिया में करेंगे, हम जब स्टोकास्टिक प्रोसेस करेंगे तब हम पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं यहाँ से। अब हमने पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीजर्स करने स्टार्ट करने, हमने डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ लिया क्या होता है, e की माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाय x फैक्टोरियल, तब हमने निकालने मूवमेंट्स ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मीन वेरियंस μ3-μ4- ये आगे का काम हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं मीन और वेरियंस, चलिए देन स्टार्ट करते हैं देन मूवमेंट्स ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से। अगर मैं μ1- निकालना चाह रही हूँ, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x, दैट इज समीशन x px, अभी हमने निकाला था e की माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाय x फैक्टोरियल, ये ध्यान रखना हमने इसको e की लैम्डा बनाया था समीशन लेने पे, ये थोड़ा सा माइंड में रखना, हम बार बार एक्सपेंशन खोलेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। मतलब जब भी आपका x पे समीशन चल रहा है ऊपर लैम्डा की x बाय x फैक्टोरियल है, x 0 से इन्फिनिटी, तो हम इसको e की लैम्डा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये x है, ये लैम्डा की x है, x माइनस 1 फैक्टोरियल बन सकता है, अगर मैं इसको ओपन करूंगी x माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे बना e की माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाय x माइनस 1 का फैक्टोरियल, अभी ये बना आपके पास यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं e की माइनस लैम्डा, लैम्डा की x माइनस 1 लिख लूँ और मल्टीप्लाई बाय लैम्डा कर दूँ, बात तो एक ही है, ब्रेक कर लिया मैंने उसको बस। अब जो ये वाली टर्म है, जब मैं इस पर समीशन लेके जाऊंगी क्या बन जाएगी आपकी, समीशन इसके पास ले गई तो ये आपकी अब 1 बनेगी या नहीं बनेगी,
सेम ही आ गया लैम्डा की एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल टाइप ही, ये वन बन गई लैम्डा ई की माइनस लैम्डा, सॉरी वन कह रही ई की लैम्डा एक्सपेंशन बन जाएगी, यस ई की लैम्डा। तो आंसर क्या आ गया आपका लैम्डा। तो मीन की वैल्यू आपकी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में आती है लैम्डा, मीन इज इक्वल टू लैम्डा। अब अगर आपको यहाँ पे वेरियंस निकालना है, वेरियंस के लिए पहले आपको म्यू टू डैश निकालना पड़ेगा विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर पी एक्स। अब इसको सेम तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे जैसे हमने बायनोमियल में निकालते हुए किया था, सेम बिल्कुल वही कर दिया हमने। अब ये तो हो गया एक्स एक्स माइनस वन पी के एक्स हो गया ई की माइनस लैम्डा लैम्डा के एक्स एक्स फैक्टोरियल, और ये समीशन एक्स पी एक्स आपका पहले जैसा आ चुका जो हमारा लैम्डा आएगा फर्स्ट केस। हमें सिर्फ आगे वाली टर्म को सॉल्व करना है, करते हैं। देखो एक्स एक्स माइनस वन था, जब आप नीचे वाले को तोड़ोगे एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू का फैक्टोरियल आएगा ई की माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर एक्स, ये चल रहा आपका, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ एक्स माइनस टू अब आपको बनाना पड़ेगा, तो लैम्डा स्क्वायर और एक्स माइनस टू में ब्रेक हो गया, ये चीज़ तो आपकी ई की लैम्डा बन जाएगी, ई की माइनस लैम्डा कैंसिल, यहाँ आया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। शॉर्ट ट्रिक के अगर वो पूरा चलने की नीड नहीं है तो आपका म्यू टू डैश आया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। अगर हम यहाँ से वेरियंस निकाले म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, ये आया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये आया था लैम्डा, या लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर विच इज इक्वल टू लैम्डा। तो आपका वेरियंस कितना आ गया लैम्डा, मीन भी कितना आया था वेरियंस। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन और वेरियंस दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इवन अगर आप यहाँ से म्यू थ्री भी निकालेंगे वो भी लैम्डा आएगा, म्यू थ्री म्यू फोर अलग आएगा आपका, थ्री लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा आएगा। इसी तरीके से बीटा वन बीटा टू गामा वन गामा टू अपने आप निकाल सकते हैं, ये काम अब आपके लिए, ठीक है, कुछ आप करो, हिंट तो अब आपको मिल ही गया निकालना कैसे है, ट्राई करना इस चीज को। हम बढ़ते हैं मोड ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। एक बार मीन वाला मोड क्या था थोड़ा मुझे याद करो, सॉरी मोड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हम कर रहे हैं, मोड बायनोमियल में क्या था याद दिलाओगे मुझे, बायनोमियल वाला जो मोड था क्या निकालते थे हम, n प्लस वन इंटू पी, क्या वहां से दो पाथ बोली थी हमने, एक तो या तो इंटीजर हो सकता है नॉट इंटीजर, अगर नॉट इंटीजर है तो क्या आंसर आएगा, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट आपका आंसर होगा, ठीक है ना, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट। और इंटीजर वाले में क्या आंसर आएगा, m और m माइनस वन, यस एक तो उससे पहले वाला और एक वाई, अगर मैं इसको m बोल दूं तो एक उससे पहले वाला और एक वाई। तो ये हमने बायनोमियल के केस में पढ़ा था ना, ऐसे आज हम पॉइसन के केस में देखेंगे। पॉइसन के केस में आपका क्या आने वाला है, मोड की बात कर रहे हैं अब हम, पॉइसन के केस में जो आपका मोड आएगा यहाँ पे आपका जो लैम्डा है, लैम्डा जो आपका पैरामीटर है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर ये लैम्डा आपका इंटीजर आ जाता है से या फिर नॉट इंटीजर, सेम तरीके से दो ही केस आएंगे या तो इंटीजर या नॉट इंटीजर। अगर आपका लैम्डा इंटीजर आता है तो यहाँ से आंसर डायरेक्ट लैम्डा माइनस वन और लैम्डा दो बाय मॉडल आएंगे, सेम पिछले वाले तरीके की तरह जैसे हमने पीछे वाले में कहा था, ठीक है ना, लैम्डा माइनस वन और लैम्डा। और अगर आपका नॉट एन इंटीजर आता है तो यहाँ पे आपका जो इसका इंटेग्रल पार्ट होगा वही बनेगा। तो ऊपर हम एन प्लस वन इंटू पी की बात करें तो यहाँ हम लैम्डा की बात कर रहे हैं बस, बाकी सारे केसेस एक ही तरीके से सेम ही आंसर वही है। तो समझ पा रहे हो इसको, याद हो गया साथ साथ, यस ठीक है। तो ये आपको चीजें याद रहनी चाहिए, इसमें भी रेकरेंस रिलेशन बन सकते हैं, रेकरेंस रिलेशन पे क्वेश्चन बहुत ही रेयर आते हैं आपके, वो आप वैसे भी चेक करके देख सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो हिंट हो तो अगर बाय चांस चार ऑप्शन आते हैं तो आप आंसर टिक कर सकते हो। तो हम आपको जो हिंट देते हैं, अगर मान लो आपको वो याद भी नहीं दे रही इक्वेशन तो आप क्या करना, जो चार ऑप्शन आते हैं ना रेफरेंस फॉर्मूले में, वो रेफरेंस फॉर्मूले मूवमेंट के बीच में ही देगा, तो आप क्या करना, आपको म्यू नॉट की वैल्यू तो हमेशा पता ही होती है,
म्यू नॉट के लिए पुट करना, देखना किस फॉर्मूले से म्यू टू की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग सही आ रही है। आपको पता है म्यू वन लैम्डा ही आएगा, म्यू टू भी लैम्डा ही आएगा, तो आप म्यू वन की वैल्यू लैम्डा पुट करके देखना चारों फॉर्मूले के अंदर, जिससे आपका म्यू टू की वैल्यू लैम्डा आ जाए चारों फॉर्मूले में, जो चार ऑप्शन लिखे होंगे वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। तो ये शॉर्टकट होते हैं रेकरेंस रिलेशन को, यानी आप पूरा याद रखो आपके जो चार ऑप्शन होंगे चार ऑप्शन में आप पुट करके देखना। रेकरेंस का मतलब यही है कि अगर आपको म्यू वन पता तो म्यू टू निकाल सकते हो, म्यू टू पता तो म्यू थ्री निकाल सकते हो। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर, अगर आपका तीन चार चीजें याद है तो आप सारे ट्रिक्स इसमें अपना सकते हैं, चाहे बाइनोमियल का रेकरेंस रिलेशन आएगा चाहे पॉइसन का रेकरेंस रिलेशन आएगा। मान लो अगर मैं ये कहूँ व्हाट इज द रेकरेंस रिलेशन फॉर मूवमेंट ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, अब आप ही देखना मुझे बताओगे रेकरेंस रिलेशन फॉर मूवमेंट्स ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। से मैंने फर्स्ट ऑप्शन दे दिया आपको, म्यू आर इज इक्वल टू आर लैम्डा म्यू आर माइनस वन प्लस लैम्डा म्यू आर बाय डी लैम्डा, ये दे दिया। सेकेंड ऑप्शन दे दिया म्यू आर प्लस वन इज इक्वल टू आर लैम्डा म्यू आर माइनस वन डी म्यू आर बाय डी लैम्डा इंटू लैम्डा। थर्ड ऑप्शन मैंने यही दिया, बस यहाँ पे लैम्डा हटा दिया प्लस डी म्यू आर बाय डी लैम्डा। बताओ तीनों में से कौन सा ठीक है या फिर नन, तीनों में से एक तो ठीक होगा ही होगा जब वो पूछ रहा था आपसे आंसर रेकरेंस रिलेशन का। बताओ अब मुझे किस तरीके से करेंगे, क्या सोच रहे हो? आर की जगह पे आप वन ले सकते हैं, तो वन लोग यहाँ क्या आ जाएगा म्यू वन, यहाँ वन लोग तो आर वन लैम्डा, म्यू नॉट कितना होता है आर वन लोगे तो म्यू वन कितना था लैम्डा डी लैम्डा बाय डी लैम्डा कितना हो जाएगा वन, तो ये तो आगे टू लैम्डा, क्या आपका म्यू वन टू लैम्डा आएगा, लैम्डा होता है म्यू वन तो इस रिलेशन से यही बताते रिलेशन तो हो गया गलत। अब इसमें पुट कर आर को अगर हम वन पुट कर रहे हैं ये बना म्यू टू, आर को वन पुट कर रहे हैं ये तो इस साइड तो सेम ही था ये वाली बात, तो कितना आ जाएगा आपका आर को वन पुट करोगे तो लैम्डा म्यू नॉट प्लस, यहाँ आर को वन पुट करोगे म्यू वन इज द डिफरेंस जो आपका है यहाँ पे म्यू वन की बात कर रहे हैं सॉरी हम दैट इज जीरो जीरो। देखो अभी ना ये वाला ऑप्शन कट है ना आपका ये वाला ऑप्शन कट है क्योंकि ये वाली टर्म तो आपकी जीरो हो चुकी है दोनों में अगर हम म्यू वन से चल रहे हैं, तो अभी ना आपका फर्स्ट ऑप्शन कट है ना ही सेकेंड ऑप्शन कट है, हाँ इससे आपका थर्ड ऑप्शन भी अभी तक ट्रू है, तो तीनों ही से हमारा भी कुछ कंक्लूजन नहीं निकला एक तरीके से। अब एक काम करो आर को थ्री पुट करके देखो चाहे तब कंक्लूजन निकल जाए, आर को थ्री पुट करो बताओ क्या आएगा, क्या बात समझ आ रही है ना मेरी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम। कि आप एक एक वैल्यू पुट करो, अगर आपको म्यू थ्री की वैल्यू याद है तो ऑटोमेटिकली वो म्यू थ्री का आंसर निकाल के आएगा यहाँ पे पुट करने से, म्यू वन और म्यू टू जो आंसर ले आए वही आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। तो वैसे इन जनरल आपका इस केस में फॉर्मूला बनता है क्या उस पर भी नजर मार लेते हैं, म्यू आर प्लस वन यहाँ डी म्यू आर बाय डी आर, देखो इतना तो आपका सेम ही है, यहाँ पे आप विद रिस्पेक्ट टू पी करते थे यहाँ विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा करेंगे क्योंकि पैरामीटर लैम्डा, वहां आप क्या करते थे और बता सकते हो मूवमेंट में आपने बायनोमियल के केस में क्या फॉर्मूला लिखा था, रेफरेंस रिलेशन फॉर मूवमेंट जो था आपका बायनोमियल के केस में क्या था, प्लस करके म्यू आर माइनस वन आएगा मैम और उसको गुना करना एन आर म्यू आर माइनस वन प्लस डी म्यू आर बाय डी पी, ये था आपका ना, तो यहाँ पी था जहाँ हमने लैम्डा कर दिया, ऑब्वियसली लैम्डा आना क्योंकि पैरामीटर लैम्डा है, यहाँ हम लेते हैं म्यू आर माइनस वन तो वो मैंने ले लिया, यहाँ हमने पी इंटू एन इंटू आर से मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पे एन का तो कोई रोल है नहीं, एन टेन टू इन्फिनिटी है, आर का जरूर रोल है, आर को मैंने एज इट इज रख दिया, इंटू में आपको पैरामीटर करना है लैम्डा, दैट इज द फॉर्मूला, यहाँ पे भी लैम्डा क्योंकि लैम्डा पूरे से मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे बाहर पी क्यू से मल्टीप्लाई किया था ना ऐसे ही हम लैम्डा पूरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक है, लैम्डा पूरे से, जैसे यहाँ पूरे से पी क्यू से किया था ऐसे हम बाहर लैम्डा से कर देंगे, तो दोनों फॉर्मूले से इंटर रिलेट कर सकते हैं हम उनको याद रखने के लिए, अगर एक याद है तो दूसरा उसी से लिख सकते हैं, जस्ट पी की जगह लैम्डा
क्यू की जगह पे वन ले लो, एन की जगह पे वन ले लो, जस्ट याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला भी आप ड्राइव कर सकते हैं खुद से। चलिए तो अब चलते हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। उसका तो निकला था क्यू प्लस पीईटी की पावर एन, इसका देखते हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या निकलेगा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है, दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, विच इज इक्वल टू समीशन ई की पावर टी एक्स इंटू पी एक्स। समीशन ई की पावर टी एक्स, पी एक्स कितना होता है ई की माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल। अब ये भी ई की पावर में, ये भी ई की पावर में देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पे ई की पावर में ले जाने में कोई फायदा नहीं होगा, एक्स वाले के साथ कंबाइन करो इसको, ई की टी इंटू लैम्डा एक्स इंटू ई की माइनस लैम्डा बाय एक्स फैक्टोरियल, इस पे समीशन चल रहा है आपका। अब इस समीशन की क्या आंसर आने वाला वो देखते हैं। देखो हमें x पे समीशन चलाना है, e की माइनस लैम्डा तो ले लू बाहर, x को जीरो पुट करेंगे ये जीरो, ये जीरो वन, x को जब हम वन पुट करेंगे तो e की t इंटू लैम्डा, x को टू पुट करोगे e की टू लैम्डा बाय टू फैक्टोरियल, अप टू सोन। तो ये किसकी एक्सपेंशन बन गई आपकी, e की पावर की बनी है ना एक्सपेंशन, तो वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स हो गया, ये एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल हो गया, ऐसे एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, ई की पावर लैम्डा टी की बन जाएगी ये। यस, इसकी एक्सपेंशन आपके पास ये बन चुकी है। तो इसको अगर हम कंबाइन करें यहाँ पे ई की लैम्डा ई टी माइनस लैम्डा, लैम्डा कॉमन ई टी माइनस वन, तो इसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपका ये आया है ई की पावर लैम्डा ई टी माइनस वन, ठीक है। सिमिलर वे से हम कॉमुलेंट्स निकाल सकते हैं, इस पर लॉग लेना है बस आपको, हर कॉमुलेंट वही सेम आंसर देगा, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री इज इक्वल टू कापा वन कापा टू कापा थ्री इज इक्वल टू लैम्डा, बीटा वन बीटा टू आप निकाल ही सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है।